से गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन करम, जिस तरह के आपको मालूम है कि निकाह के अहकाम हम तफसीली बता रहे हैं, गुज़श्ता वीडियो में हमने जिक्र किया कि शादी के बाद पहली रात के मुस्तहबात क्या हैं, हराम क्या है मुबाशरत के दरमियान, मकरूह क्या है, मुबाह क्या है, मुस्तहब क्या है, ये हम आज जिक्र करेंगे। एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें जिक्र किया था बाज़ चीज़ें ऐसे फैल जाती हैं या दूसरे फ़िका से हमारे मोमिनीन परेशान हो जाते हैं कि हमारी बीवी जो है वो इन चीज़ों से आया हराम तो नहीं होगी, जिस तरह दूध उसका मुँह में चला गया बीवी का दूध या इस तरह बाकी चीज़ें, तो वो हम तफसीली जिक्र कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक भी हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो ज़रूर देखें ताकि मालूमात में इजाफा हो। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऐसे फैला दी जाती हैं लेकिन उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो मोमिनीन को ऐसी चीज़ें बताना हम शरअन अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। ये चीज़ें अगर हम नहीं बताएँगे, उलमा नहीं बताएँगे, तालिबे इल्म नहीं बताएँगे, तो फिर मोमिनीन कहाँ से सीखेंगे। इसलिए इस ज़रूरत को महसूस करते हुए ताकि हमारी आने वाली नस्लों पर भी अच्छा असर हो और हमारा जो नौजवान तबका है जो शादीशुदा या शादी करने जा रहा है उनको भी सही मालूमात हो, मुस्तहबात का पता हो, हरामात का पता हो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी इस्लामी तरीके के मुताबिक गुजार सकें और रूहानी अच्छे असरात मुरतब हों उनकी ज़िंदगी पर और बुरे असरात से वो दूर रह सकें। तो आज हम कुछ मकरूहात और आदाब जमा, मकरूहात और मुस्तहबात जिक्र करेंगे। हराम जो है वो जमा में वो ये है कि हैज़ की हालत में खातून है तो उस हालत में उसके साथ जमा करना हराम है। इसके अलावा उसके साथ वतीफ़ दुब्र यानी पिछली साइड से मकअद की तरफ से उसके साथ जमा करना अगर वो खातून राज़ी है फिर भी मकरूह है, शदीद है, एहतियात करनी चाहिए, ये अमल नहीं करना चाहिए। लेकिन हराम नहीं है, बीवी हराम नहीं हो जाती ऐसा अमल करने से, लेकिन मकरूह है और मकरूह है, शदीद है। ये था हैज़ की हालत में या ये अमल जो इसकी वजाहत करनी ज़रूरी थी। कुछ मकरूहात हैं जिनके असरात हैं, ये हदीस रसूल और फरमान अहले बैत से हर चीज़ जिक्र करने जा रहे हैं। इनमें एक पॉइंट भी किसी आलम की तरफ से, अपनी तरफ से नहीं है, ना हमारी तरफ से है, ये तमाम हदीस के अल्फाज हैं और रिवायात मासूमीन हैं। महीने की पहली, दरमियानी और आखिरी रात, जो इस्लामी महीने हैं रमज़ान, शवाल, ज़कात वगैरह, इनकी पहली, पहला दिन, पहली रात, दरमियानी यानी 15 का दिन, 15 की रात और आखिरी शब, और एक रिवायत में यह है कि आखिरी दो दिन पूरे महीने के आखिरी जो 28, 29 या 29, 30 का होता है, इस दौरान मुबाशरत नहीं करनी चाहिए। पहली, दरमियानी और आखिरी रात को महीने की, इसमें बीमारियां, बच्चे में बीमारियां पैदा हो सकती हैं, यानी जो बच्चा पैदा होगा इस दौरान अगर मुबाशरत की और बच्चा ठहर गया और वो पैदा होगा तो वो उसमें जज़्ज़ाम, बर्स वगैरह बीमारियों का ख़तरा है। इस तरह ज़ोहर के फौरन बाद, ज़ोहर का वक्त होता है, ज़िवाल के फौरन बाद करने से भी, मुबाशरत करने से भी बच्चे में बीमारियां आ सकती हैं। जमा के दरमियान कलाम करना, जमा के दरमियान गैर ज़रूरी ऐसे फजूल गुफ्तगु करने से भी, गैर ज़रूरी अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, मुस्तहब है। बाज़ मोमिनीन इश्काल करते हैं कि जमा तो बुरा फ़ेल है, बुरा फ़ेल नहीं है, ये महबूब फ़ेल है खुदावंद करीम के नज़दीक। जब दो मियां बीवी आपस में मिलते हैं तो खुदा के नज़दीक महबूब फ़ेल है, क्योंकि वह शरी तरीके से अपने आप को मुरतब किए होते हैं और खुदा के दीन पर अमल कर रहे होते हैं, तो उस दौरान अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं मुस्तहब है। और कोई कलाम या फजूल गुफ्तगु से, उससे अगर बच्चा ठहर जाए उस दौरान तो उसका गूंगा होना ज़्यादा चांस होते हैं उसके, कि वो उसके जो ज़बान है उसमें गुफ्तगू नहीं आएगी, उसके ज़बान गूंगी हो जाएगी। जमा के दरमियान शर्मगाहें देखना, जमा हो रहा है, मुबाशरत हो रही है, उस दौरान मियां बीवी एक दूसरे की शर्मगाहें देखेंगे तो बच्चे के अंधा पैदा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी ये वो सूरत हाल है जब ऐसा करेंगे और उस दौरान अगर हमल ठहर गया तो जो बच्चा पैदा होगा उनमें ये असरात होंगे। इस तरह जमा के दरमियान किसी और का तसव्वुर करना, जमा हो रहा है, मर्द ने किसी और खातून का नऊज़ बिल्ला मिन ज़ालिक तसव्वुर किया हुआ है, तो इस सूरत में भी बहुत बुरे असरात होंगे, और ये हदीस के अल्फाज हैं कि नऊज़ बिल्ला मिन ज़ालिक वो खुनसा पैदा हो सकता है, बच्चा बच्ची यानी लड़का लड़की तो नहीं होंगे, वो खुनसा पैदा होंगे, जिसको कहा जाता है कि शी मेल पैदा होगा बच्चा, नऊज़ बिल्ला मिन ज़ालिक। तो हर चीज़ का इस्लाम ने बता दिया, अगर हम इस्लाम के रास्ते पर चलें तो हम अपने आप को और अपने बच्चों को इन मसायब व बलियात से बचा सकते हैं। एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना, मियां बीवी
फरागत के बाद जब दोनों फारिग हो जाएं, अपनी निजासत को एक ही कपड़े से साफ करेंगे तो उनके दरमियान अदावत पैदा होगी, दुश्मनी पैदा होगी। उन दोनों को अलहदा अलहदा कपड़ा, टिशू, जो भी चीज़ है अलहदा यूज़ करना चाहिए। खड़े होकर मुबाशरत करना, ये इससे भी ममानियत है। अगर खड़े होकर मुबाशरत करेंगे उस दौरान अगर हमल ठहर जाता है तो जो बच्चा पैदा होगा वो बिस्तर में पेशाब करने वाला होगा, हर वक्त वो पेशाब करता रहेगा और चीज़ों को नजस करता रहेगा, उसकी पेशाब करने की रूटीन ख़राब होगी। ईद अज़हा की रात, यानी ईद अज़हा की रात मुबाशरत भी मकरूह है, इसके भी इस तरह वज़ी असरात हैं। फलदार दरख्त के नीचे, फलदार दरख्त है, कोई भी फलदार दरख्त है उसके नीचे अगर करेंगे जमा मुबाशरत तो उस सूरत में भी बच्चा जो है वो जल्लाद पैदा होगा, कातिल पैदा होगा, यानी संग दिल पैदा होगा, तो उस सूरत में भी इज्तनाब करना चाहिए। सूरज की शुआओं के सामने, सूरज की शुआएं सामने पड़ रही हैं तो उस सूरत में बिल्कुल मियां बीवी को अपने जिस्म से कपड़े बिल्कुल खाली नहीं कर देने चाहिए, यह भी मकरूह है। उनके जिस्म के ऊपर थोड़ा सा कपड़ा होना चाहिए जो उनको ढांप ले। अजान और इकामत के दरमियान भी मुबाशरत नहीं करनी चाहिए, हामला के साथ वुज़ू के बगैर। अगर प्रेग्नेंट है खातून तो उसके साथ अगर मुबाशरत कर रहे हैं तो वुज़ू करना चाहिए। वैसे भी वुज़ू करके जमा करना मुस्तहब है, लेकिन उस सूरत में ज़्यादा ताकीद है कि प्रेग्नेंट खातून है तो उसके साथ जमा से पहले वुज़ू करें। छत पर, खुली छत है, छत पर मियां बीवी मुबाशरत करते हैं तो इसके भी बुरे असरात हैं, यानी बेशर्म बेहया इस किस्म का बच्चा पैदा होगा, मुनाफिक पैदा होगा, इससे इज्तनाब करना चाहिए। सफ़र की रात, सफ़र करना चाहते हैं अगले दिन मियां बीवी तो उस रात के लिए भी मकरूह है कि वो मुबाशरत ना करें, तर्क करें। खाना खा के भरा पेट है तो उस सूरत में भी मुबाशरत नहीं करनी चाहिए, जिस्म को नुकसान पहुंचता है, बीमारियों का ख़तरा ज़्यादा होता है। खौफ और परेशानी की हालत में, मियां बीवी में से दोनों में से कोई एक या दोनों परेशान है या खौफ है तो उस सूरत में भी मुबाशरत तर्क कर देनी चाहिए, मकरूह है कि उस सूरत में मुबाशरत करें। कसूफ, खसूफ यानी खौफ की हालत है, चांद ग्रहण का वक्त है, सूरज ग्रहण का वक्त है, आसमानी कोई भी आफत है, तेज़ आंधी है, जलजला है, उस सूरत में मुबाशरत तर्क करनी चाहिए, मकरूह है। बच्चों के सामने ये इंतहाई अहम है, बाज़ दफ़ा मकान तंग होता है, एक कमरा है या ऐसी सूरत हाल है कि बच्चे आपके और मियाँ बीवी जो है ना वो मुबाशरत कर रहे हैं, बच्चे आपके सामने हैं तो वो जाग ना रहे हों, जाग भी ना रहे हूँ। अगर वो सो रहे हैं और उनकी नींद इतनी पक्की नहीं है कि आपकी आवाज़, मुबाशरत की आवाज़, आपकी जो मुबाशरत के दरमियान आवाज़ें निकल रही हैं या आपकी सांस निकल रही है, बच्चा इतना करीब सोया हुआ है, लेटा हुआ है, आपको देख रहा है या आपको सुन रहा है, उस सूरत में नऊज़ बिल्ला मिन ज़ालिक, की हदीस के हर चीज़ हदीस से बता रहे हैं कि वो नऊज़ बिल्ला मिन ज़ालिक ज़ानी या ज़ानिया होंगे, लड़का है या लड़की, उनमें ज़िना की जो है वो गलत आदत कुदरती तौर पर इन वालदैन के इस फेल से उनमें आ जाएगी। किबला रुख होकर, किबला रुख, मर्द किबला रुख हो के मुबाशरत ना करें, मकरूह है। इस तरह एहतलाम है, मर्द को एहतलाम हो गया है तो उस सूरत में भी अब एहतलाम के बाद गुस्ल करें फिर मुबाशरत करें, मकरूह है कि फिर एहतलाम के बाद वो मुबाशरत करें बीवी के साथ और फिर बाद में दोनों गुस्ल की एक ही नियत, क्योंकि गुस्ल हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि गुस्ल एक ही कर सकते हैं, जितने भी आप पर गुस्ल वाजिब हों या मुस्तहब हों। अगर पहले मुबाशरत की है, ये सवाल बहुत ज़्यादा होता है, फिर गुस्ल नहीं किया, दोबारा मुबाशरत करना चाहते हैं तो ये मकरूह नहीं है, बस आप वज़ू कर लें और आप दोबारा मुबाशरत कर सकते हैं। वज़ू नहीं किया, कुलियाँ कर लें, हाथ धो लें तो किराहत दूर हो जाएगी। लेकिन अगर एहतलाम हुआ है, एहतलाम हुआ है उसके बाद फिर आप गुस्ल करें फिर जाके मुबाशरत करें, अगर एहतलाम के बाद आप मुबाशरत करते हैं तो ये मकरूह है। दोपहर में वती करना, यानी कि मकाद की तरफ खातून को, यानी बीवी को मकाद में मुबाशरत करना अगरचे वो राज़ी है, पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, मकरूह है, शदीद है, इज्तनाब करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। कुछ मुस्तहबात भी हैं, हरामात जिक्र कर चुके हैं कि हैज़ की हालत में नहीं करना चाहिए, हराम है हैज़ की हालत में जमा करना, इस तरह बाकी चीज़ें जो हमने जिक्र की हैं मकरूहात। अब मुस्तहबात भी कुछ हैं, वो ये हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ें जमा से पहले, बावजू हूँ मुस्तहब है, प्यार से पेश आएँ, ये भी हदीस है, रिवायत है कि प्यार से पेश आया जाए, खातून को अपनी मोहब्बत देनी चाहिए, संग दिली, सख्ती और जल्दी का काम नहीं करना चाहिए, ये मकरूह है और ये आदाब के ख़िलाफ़ है।
जल्दी नहीं करनी चाहिए, उन्स, शफकत, मोहब्बत और इस अमल के दरमियान लज्जत होनी चाहिए। ये हर चीज़ हमें अहले बैत ने और इस्लाम ने सिखा दी है। इसके बाद यानी प्यार, नरमी, शफकत, मोहब्बत के बाद इंसान की मुबाशरत को तकमील तक पहुंचना चाहिए। और सोमवार की रात, मंडे की रात मुस्तहब है। इस रात अगर मुबाशरत करेंगे, बच्चा ठहर जाता है, तो वो हाफिज़े कुरान पैदा होगा, यानी उसके अंदर हिफ्ज़े कुरान की ताकत बहुत ज़्यादा होगी। मंगल की रात अगर करेंगे मुबाशरत, बच्चा पैदा होगा, तो उस सूरत में यानी मंगल की रात मुबाशरत की, हमल ठहर गया, बच्चा पैदा होगा, तो उसके अंदर शहादत का रुतबा होगा, शहीद होगा, उसके अंदर वो कुव्वत कुदरती तौर पर आ जाएगी। खमीज़ की रात और दिन बहुत अहम है। मंगल की रात के बारे में बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल ज़िक्र किए गए हैं, इसी तरह खमीज़ की रात और खमीज़ का दिन, यानी ज़ोर के बाद हमने कहा था कि मकरूह है, लेकिन खमीज़ के दिन मकरूह नहीं है, ज़ोर के बाद आप मुबाशरत कर सकते हैं, बल्कि मुस्तहब है। जुम्मा की रात और जुम्मा का दिन, खसूसन जुम्मा का दिन असर के बाद, यानी नमाज असर यानी वक्त असर के बाद, ये भी मुस्तहब है और इनके भी फ़वाद हैं। अगर बच्चा ठहर जाता है तो उसके असरात अच्छे होंगे। ये मकरूहात और मुस्तहबात जिक्र करने का मकसद ये है कि अगर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनमें अच्छे असरात होंगे। अगर इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, बच्चे की तलब है, बच्चा हम चाहते हैं और प्रेग्नेंट खातून हो जाती है इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए, तो यकीनन खुदावंद करीम और उनके पाक हस्तियों का जो कलाम है वो हक है, सच है, और उनमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं है, तो हमारे बच्चे ज़ाहरी और बातनी ऐप से पाक होंगे। इन चीज़ों का ख्याल जितना रखेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा, दुनियावी भी उखरवी भी। तो ये थे हरामात, मकरूहात, मुस्तहबात जो जिक्र किए जाते हैं, शरीयत में मौजूद हैं, रिवायात में मौजूद हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दीगर कुछ भी ऐसे मकरूहात जिक्र किए जाते हैं कि कश्ती में भी मुबाशरत नहीं करनी चाहिए, जैसे बहरी जहाज़ है, कश्ती है, इन चीज़ों में, और बाकी इस तरह कुछ और दीगर हैं, लेकिन जो मौसक तरीन रिवायात और अहादीस से हमें ये मिले हैं, हमने जिक्र किए हैं, मोमिनिन से मुल्तमिस हैं, हमें दुआओं में याद